मंदिर आरक्षण पिक्चर, किसी दंगे से मेरा सरोकार नहीं। मैं कौन हूँ? जली बसों की जगह नई बसें लगाता, उखड़ी पटरियों को वापस बिछाता। दंगों में गई जानों की कीमत या मुआवजे के खर्च का दाता, मैं हूँ देश का करदाता। दलितों के लिए 56,000 करोड़, आदिवासियों के लिए 39,000 करोड़, और मेरे घर के सामने टूटी हुई है रोड। ना दलित ना आदिवासी, मैं वोट बैंक की सूची में कहीं नहीं आता। मैं वो हूँ जिसका हर यूनियन बजट में सेस 1% है बढ़ जाता। मैं हूँ देश का करदाता। माल्या 9,000 करोड़ लेकर, मोदी 13,000 करोड़ लेकर चले गए ओडन खंडोला लेकर। छोटी कार पर ब्याज दर नहीं रुका 8-9% होकर। जब सरकारें अपनी छाती ठोक कर यूपी महाराष्ट्र पंजाब के किसानों के 70,000 करोड़ के लोन माफ करती हैं, मैं वो हूँ जो महीने दर महीने ईएमआई पर ईएमआई ईमानदारी से है चुकाता। ना गरीब किसान ना अमीर इंसान, ना गरीब किसान ना अमीर इंसान, किसी की बुरी नियत किसी के बुरे नसीब का भार अपने कंधों पर हूँ उठाता। मैं हूँ देश का करदाता। कभी बेटी की शादी, कभी घर की मरम्मत, कभी गाड़ी की सर्विस। कभी बेटी की शादी, कभी घर की मरम्मत, कभी गाड़ी की सर्विस। अपनी जरूरतों को कुछ महीने टालकर, अपना पेट 5-20-30% काटकर, मैं हौसला और पैसा देता हूँ। मैं ना केवल हौसला, मैं पैसा देता हूँ एक बच्चे को अपना कल बदलने का, एक बुजुर्ग को अपने बुरे कल से लड़ने का। कभी सैनिक की बंदूक में बारूद भरता हूँ, कभी मंगलयान में उड़ान भरता हूँ। आज आपके जहन में एक ख्याल भरता हूँ, मैं 6.25 करोड़ का वो अल्पसंख्यक हूँ जो किसी राजीव गांधी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल स्कीम में ना आकर भी 80 करोड़ हिंदवासियों को 2 वक्त की रोटी है खिलाता। मैं हूँ देश का विधाता, इस देश का करदाता। पर मेरी कोई नहीं, पर मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं आता। मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं आता, बसों में आग लगाना नहीं आता, पैसे लेकर भागना नहीं आता। मैं पसीना बहाना जानता हूं, मुझे किसी का खून बहाना नहीं आता। सरकारों, भगोड़ों, दंगाइयों से दरख्वास्त है कि अगली बार जब मेरे कर को जलाएं तो उसके भीतर गई मेरी पसीने की नमी को अपने जिस्म पर महसूस करें। उसको कमाने में गए मेरे जलते खून की बदबू को सूंघ, और सब भस्म हो जाने के बाद मेरे झुलसे सपनों की कालिख अपने मुंह पर लगाएं, और घर जाकर सफेद चादर तान कर सो जाएं। और कल जब उठे तो अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाएं।